सब्सक्राइब करें आदर्श। जय सियाराम मित्रों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की पहेली है श्रीमान चंद्रशेखर राजपूत की और इन्होंने प्रश्न पूछा है कि सास ननद भौजाई एक ही घर में ब्याही, ये कौन है, कि वो कौन सा घर है जिसमें सास ननद और भौजाई एक ही साथ एक ही घर में ब्याह हुआ है। सास और बहू तो मानी जा सकती है, ननद का भी उसी घर में ब्याह हुआ है, ये उल्टी बात लगती है। अब कैसे आपके प्रश्न का उत्तर दूं? तो मित्र, आपके प्रश्न के उत्तर दो तरह से दिए जा सकते हैं। कि आप किस प्रयोजन से पूछ रहे हैं, क्या उत्तर की अपेक्षा करते हैं, इसलिए दो प्रकार से आपको उत्तरित करता हूं। एक है निर्गुण भक्ति में यह बात एक मनुष्य की आत्मा की तीन पोजीशंस हैं उन पर कही गई है। आत्मा जब शरीर में जीव आया और उस समय वो सास की तरह पुरानी बातें याद करती, सास का मतलब बुजुर्ग महिला, तो बुजुर्ग चाहे पुरुष हो या स्त्री, बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने पास्ट को याद करता है, हमने ये किया था हमने वो किया था। बच्चा वर्तमान में बिजी रहता है कि जो अभी कर रहा है, खेल रहा है तो खेल रहा है, रो रहा है तो रो रहा है, खा रहा है तो खा रहा है, और जो युवक जवान प्रौढ़ ये सब अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते, आज ये किया था तो अब कल ये करना है, आगे ये करना है, आगे घर बनाना है, बच्चे का विवाह करना है, ये सब कुछ उसके दिमाग में भविष्य रहता है। तो जब बुजुर्ग होती है तो सास का यहाँ पे दिया गया कि एक बुजुर्ग घर, वो बुजुर्ग कब है, जब वो गर्भ के अंदर वो जीव आता है। आत्मा चाहे स्त्री की हो या पुरुष की हो, उसे स्त्रीलिंग ही कहा गया है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है, परमात्मा पुल्लिंग है और आत्मा स्त्रीलिंग है। तो जब आत्मा पेट में गर्भाशय में आती है तो उसे गर्भ में बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, नरक, सबसे बड़ा नरक गर्भ में रहना है। उन 9 महीनों 10 महीनों में उसके सारे कर्म हो जाते हैं, तो जीव वहां पर परेशान होता है, तो वो क्या करता है, प्रभु से बहुत सारी प्रार्थनाएं करता है कि प्रभु इस बार मुझे किसी तरह से बाहर निकाल दो, उसको अपने पूर्व जन्म में जितने भी जन्म हुए होते हैं गर्भ के अंदर, उसे वो सारे जन्म याद रहते हैं कि इसके पहले मैं ये किया वो किया, और उसी में बिचारी वो सास रूपी आत्मा परेशान होती, जो पाप कर्म नहीं करूंगी प्रभु, आगे मुझे किसी तरह से यहां से मुक्ति दिला दो, और अपने दुख और सजा सब उसको याद आती है। इसके बाद जब बच्चा वो जन्म लेता है, थोड़ा बच्चे हुए और किशोर हुए, यहां तक आते आते आप यहां के माया मोह में इतना खो जाते हैं कि आप ईश्वर, ईश्वर भक्ति, आध्यात्म सब कुछ भूल कर और बचपन में खेल कूद में अपना सारा समय बर्बाद करते हो, अर्थात ननद की तरह अल्हड़ जीवन, स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं, ईश्वर से किए गए सभी वादे कसमें भूल गए हो। जब आप बचपन में एक बालक की तरह, आप मतलब कुमार हो और खेल रहे हो इधर उधर, तो क्या करते हैं आप, अपना जो टाइम खराब करते हैं, और उसमें आप जो वादा करके ईश्वर से आए, जब ईश्वर ने आपको नया जन्म दिया, आप बाहर आए तो आप अंदर जो सोच रहे थे, अपने जन्म जन्मांतर के जो जन्म देख रहे थे, सब भूल जाते हो। तीसरी अवस्था तब है जब आप दूसरों के लिए, मतलब अपनी पत्नी पुत्र जो इस शरीर में पत्नी रूप में मिली है, पुत्र मिले हैं, पुत्री मिली, पिता भाई बहन, इन सब के लिए जब गधे बनकर
धनार्जन में लग जाते हो और पूरा जीवन इसी में हाय रे दैया हाय रुपया धन संपत्ति घर परिवार करते करते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हो और मर कर फिर वैसे ही जैसे आए थे उसी तरह पापों में संलिप्त और पाप की और गठरी बढ़ा करके आप फिर प्रभु के पास वहां नरक में पहुंच जाते हो प्रभु की कृपा से। तो ये है आपकी तीनों अवस्थाएं। सास का मतलब आप गर्भावस्था में हैं, ननद का मतलब आप बचपन में जब आप सास थे तो आप क्या याद कर रहे थे, अपने पुरानी यादें कर रहे थे, पास्ट याद कर रहे थे, पुराने जीवन याद कर रहे थे। जब आप बच्चे पैदा हुए खेलने लगे तो वर्तमान में मस्त रहने लगे, अपना टाइम खराब करा। और उसके बाद जब आप जवान हुए तो जवानी में आप अपने जो यहाँ के बने पत्नी पुत्र परिवार के लिए बस धनार्जन किसी भी तरीके से पैसा पैदा करना और उनको गधे का जीवन जीने लगे, ढो ढो के उनको खिलाने लगे और अंत तो गत्वा आप मृत्यु को प्राप्त हुए बूढ़े होकर, और जीवन भर आप दूसरों के लिए मरते रहे और पता ही नहीं लगा जो काम करने आए थे वो नहीं करा। तो यह निर्गुण तरीके से आपका यह अर्थ बना। अब साकार में चलते हैं। साकार में ये बात पांडु परिवार में लगती है। भगवान श्री कृष्ण की माता कुंती वसुदेव जी की सगी बहन थी, लेकिन कुंती को उनके फूफा कुंती भोज ने गोद लिया था, अतः वो बेटी कुंती भोज की हो गई थी। अतः वो उस रिश्ते से कृष्ण की बुआ थी, लेकिन दूसरे रिश्ते से कुंती कृष्ण की सास भी लगती थी। वो कैसे? कुंती भोज ने कुंती को गोद लिया तो ऊपर वाले ने उनको भी संतानें दे दी, तो उनकी जो अपनी पुत्री हुई जिसका नाम विवाह उज्जैन के राजा से हुआ और उनका नाम राजेश्वरी देवी था, तो जिनकी एक बेटी मित्र वृंदा हुई जिससे भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया था, अर्थात उन्होंने अपनी सगी बुआ की सौतेली बहन मतलब सौतेली बुआ की बेटी से विवाह किया था भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए कृष्ण ने विवाह किया था क्योंकि उनका गोत्र अलग था और कृष्ण जी का गोत्र अलग था। अगर कुंती उनके गोत्र की थी, वसुदेव जी की बहन थी, तो अगर यहाँ होती तो उसके बच्चे से उनका विवाह नहीं हो सकता था। अर्जुन को इसी रिश्ते का उदाहरण देकर उन्होंने सुभद्रा के अपहरण करने के लिए उकसाया और फिर विवाह करा दिया। अर्जुन पहले तो तैयार ही नहीं था, लेकिन कृष्ण के उकसाने से फिर सीधा रिश्ता न होने की दुहाई देने से सुभद्रा से विवाह किया। उन्होंने कहा, देखो तुम बेकार की बात कर रहे हो, हमने भी तो मित्र वृंदा से विवाह किया है, वो हमारी बुआ आपकी माता जी के जो है बहन की ही तो बेटी है, लेकिन वो गोत्र उनका अलग था और हमारा गोत्र अलग था, इसलिए विवाह हो गया। तो इसी तरह से आप बुआ कुंती के पुत्र हो, लेकिन बुआ कुंती कुंती भोज की बेटी हैं, हमारे यहाँ से उनको गोद लिया जा चुका है, तो वो हमारी बुआ नहीं बची, वो हमारी बुआ कहने की है, वैसे तो कुंती भोज की बेटी है, उनका गोत्र चलेगा, तो इसलिए आपका रिश्ता हमारे से इतना नजदीकी रिश्ता नहीं है, आप बलराम जी की बहन जो हमारी बहन सुभद्रा है उनको ले उड़ो। और ये उकसा करके श्री कृष्ण ने ही अर्जुन के साथ उनका विवाह कराया। युधिष्ठिर अपनी बहन दुस्सला से बहुत प्रेम करते थे। आप सबको पता है
कि इनके कौरव 100 भाई थे, 100 भाई थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम दुस्सला था, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। जितने भाई बहन थे वो सारे के सारे दुर्योधन से बहुत प्रेम करते थे। जब राज्य बट गए और इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर बने और हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन, तो दुर्योधन ने मना कर दिया दुस्सला को कि वो पांडवों को रक्षाबंधन नहीं करेंगी, राखी नहीं बांधेंगी, और दुस्सला ने राखी नहीं बांधी, जिससे राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि 105 भाइयों के बीच में वो अकेली बहन थी, इसलिए बहुत दुलारी थी। तो शकुनी और दुर्योधन ने बहका दिया, उसने कहा कि मैं आपको अपना भाई ही नहीं मानती और इसलिए मैं रक्षाबंधन नहीं करूं। अब राजा को इतना परेशान देखकर उनकी महारानी द्रौपदी थी, तो द्रौपदी ने क्या किया, सुभद्रा युधिष्ठिर आदि की मामा की बेटी थी, तो मामा की बेटी का फूफा के बेटे का भाई बहन का ही रिश्ता होता है, और उस रिश्ते सुभद्रा के हाथों से युधिष्ठिर को राखी बंधवाया। किसने, स्वयं द्रौपदी ने। और फिर अर्जुन को छोड़कर सुभद्रा ने अपने चारों भाइयों को राखी बांधा था, और उस रक्षा बंधन की हमेशा सबने इज्जत रखी। इस तरह से सुभद्रा द्रौपदी की ननद, द्रौपदी थी पांचों भाइयों की पत्नी थी, एक एक साल वो एक साल युधिष्ठिर की पत्नी रहती थी, उसके बाद एक साल भीम की रहती थी, फिर एक साल अर्जुन की, फिर एक साल नकुल की, फिर सहदेव की, और इस तरह से बारी बारी से वो पत्नी धर्म निभाती। जब वो धर्मराज की पत्नी होती थी तो चारों भाई उनको भाभी की तरह देखते थे, जब वो भीम की पत्नी होती थी तो युधिष्ठिर उनको अपने छोटे भाई की पत्नी की तरह देखते थे, बाकियों के लिए भाभी थी। तो इस तरह से उनके यहाँ बड़ी एकता के साथ सारे रहते थे। तो जब द्रौपदी अर्जुन की पत्नी होती थी उस समय तो वो सुभद्रा की बहन की तरह थी, अदरवाइज 4 साल जब दूसरे पांडवों की पत्नी होती थी तो वो उनकी भाभी की तरह रहती थी। तो आपकी जो कहावत है, सास तो कुंती माता ही है और भौजाई द्रौपदी होती हैं और ननद सुभद्रा होती हैं, तो इस तरह से आपकी ये पहेली यहाँ साकार में पांडु परिवार पर लागू होती। लेकिन आपकी वस्तुतः पहेली जो सच्चाई है वो आत्मा पर ही बताई गई है, और फिर भी आपने जहाँ से पूछा है आप साकार में पूछना चाहते हैं तो पांडु परिवार है वहाँ लागू होती है, और निराकार में तो फिर आत्मा और परमात्मा पे ही लागू होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पहेली का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु, जय सियाराम।